दोस्तों आज लखनऊ के ही हमारे भिटौली चौराहे के पास में एमआई चौराहे से पास में मुबारकपुर पड़ता है, ये गांव है ना दोस्तों यहाँ पे? हाँ, मुबारकपुर गांव, मुबारकपुर गांव है। और यहाँ पर एक भैंसी का शायद हादसा भी हो गया है। अभी लगभग 6 बजे। अच्छा, तो मतलब ये कंफर्म सांप ने काटा? हाँ, कंफर्म है। अच्छा, ये सांप यहाँ पे देखे वो काले हैं किस तरह के? चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए पहले चेकआउट करते हैं ना, इससे पहले कि सांप कहीं जाए। दोस्तों जैसा कि दिक्कत हर बार ये आती है कि देखिए अब यहाँ पे इतने सारे ईंटें हैं, अब ये सांप क्योंकि इनके छुपने की बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, और उसके बाद में अगर यहाँ पे चेकआउट करते नहीं मिलता है तो फिर पीछे देखिए काफी, हमको लग रहा है काफी गैप है और काफी मैदान है ना पीछे कि दीवार है? पीछे दीवार है, दीवार है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दीवार है यहाँ पर तो आसानी रहेगी। कुछ कहीं ढूंढना नहीं भाई, देखने इधर यहाँ पे देखो तो बगल में सरकारी स्कूल है और वहाँ देखिए जो ईंटें लगा हुआ है वहाँ पे ईंटें को हटाने से पहले हमने सोचा कि पहले यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि पूरा मैदान है और दीवार भी देखा आपने छोटी है काफ़ी, तो इसको देख लिया, पूरे स्कूल को चेक कर लिया जैसे आपने देखा अभी। तो अब चलते हैं, वो ईंटें जो लगा है करीब एक गाड़ी उसको हटाना पड़ेगा और दुआ करते हैं कि सांप मिल जाए ताकि यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनको सुकून मिले, इत्मीनान मिले। सो चलते हैं। सो दोस्तों, ये एक गली है जो कि सरकारी स्कूल और गांव का जो एक मकान है उसके बीच की ये गली छूट गई है। तो ईंटों को हटाने से पहले, ईंटों में चेक करने से पहले इस गली को मैंने चेक कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं ईंटों की तरफ दोस्तों। साले घूम तो पता नहीं कहां से जाते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं बताता चलूं कि जहाँ पर भी कोई कबाड़ होता है, और लगभग मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि जहाँ पर भी कोई कबाड़ होता है या कोई चीज़ रखी होती है, ईंटें होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, तो होता ये है कि हमें ही या अपने साथ में जो भी टीम का होता है उसको ही ये काम करना होता है। अदरवाइज़ गांव का या उस जगह का कोई भी आम इंसान हाथ नहीं लगाता है, उसकी वजह होती है डर, और डर ही की वजह से ही इंसान रेस्क्यू करवाता है स्नेक को। तो दोस्तों, यहाँ पर 4000 ईंटा लगा हुआ है और 2 सांप का देखने को आया है जो इस ईंटों में छुप गए हैं जा कर के। तो देखते हैं कितना वक्त लगता है इन दोनों को निकालने में, एक साथ मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे, और कब मिलेंगे, सारे ईंटे हटाने पड़ेंगे या 2 से ज़्यादा सांप मिलेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो वीडियो में लगातार दोस्तों बने रहिए बिना स्किप किए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी हर क्रैक की वीडियो में मैं बोलता हूँ कि नाइट किलर और साइलेंस किलर, सिर्फ रात में दिखता है ये और रात में ही शिकार की तलाश में निकलते हैं। दोस्तों अपने की वजह ये है कि कोई ईंटें हटा रहे थे, आप देख सकते हैं इतने ईंटें हटे हैं, उसके बाद में ये सांप दिख गया है। और ये क्रैक स्नेक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला। टोटल इन्फॉर्मेशन अभी देता हूं मैं दोस्तों आपको इसको निकाल करके, उसके बाद में दूसरा सांप भी देखते हैं क्योंकि दूसरा सांप भी इसी में कहीं पर है। Thank you.
ये बगर का मोड़ दो ना। पहले थोड़ा से आपको देखते लग गई है, पड़ गई है, वहाँ हुई है। परेशान ना हो, ये ऐसा जानलेवा ना, इसे काटने के बाद में अब कहाँ चला जाए, पकड़ ले। जल्दी एंटी बनाने मिलता है। और ये बहुत ही विकसित, बहुत ही विकसित क्रैट स्नेक है। इसको रखो फिर वो नहीं 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 अमीर लोगों के बीच में तो फ्रेंड दूसरा सांप, जैसे कि ये सांप आपने देखा था कंफर्म? ये और है भैया, मैंने यही देखा था ना। तो दोस्तों दूसरा भी सांप होगा, तो पहले से थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम आपको इसके बारे में, क्योंकि ये एक वाकई में ये एक विकसित कराए थे दोस्तों, काफी बड़ा बिग साइज का है ये। और इसकी एक बाइट, इसकी एक बाइट यानी कि एक बूंद का अगर हम बोले दसवां बीसवां हिस्सा भी, एक बूंद का दसवां बीसवां हिस्सा भी हमारे बदन में जाता है तो एक आदमी आराम से मौत के घाट उतर जाएगा। निकल के नहीं जाएगा, अब परेशान न हो। पीछे से निकल कर नहीं जाएगा। डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यार कहीं काट कूट देगा, निकल जाएगा बैग का। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो भाई, लात ले जाते हैं। आ जाओ, खेल फिर से जारी है। तो फ्रेंड्स हालत देख रहे हैं आप हमारी, एक बिग क्रैट जो कि शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं इस साइज के क्रैट, और दूसरा जोड़ा भी है इसमें। तो खुशकिस्मती ये रही कि अभी थोड़े ईटे हटे थे, ये सांप निकल आया है, और उम्मीद ये है कि इसका जोड़ा भी यहाँ करीब में होगा, तो लाइन हटाने की कोशिश करते पूरी। सो फ्रेंड्स काफ़ी खुशी की बात कि दोनों स्नेक मिल गए हैं, और पूरे के पूरे ईटे भी नहीं हटाने पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ईटों के दरीज में जा करके सांप बैठ जाते हैं दोस्तों। सो निकालते हैं इसको। या लेकिन पातर ये मुंह है भाई, सही है मुंह है। दोस्तों इस तरह से सांपों को पैक करना जो सबसे सेफली तरीके हैं उनमें से एक है, काफ़ी इजी रहता है और अपने लिए भी काफ़ी सेफ रहता है। इस तरह से सांपों को रेस्क्यू करना, स्पेशली तौर पर सांप को रेस्क्यू करना इतना अहम नहीं जितना उनको सेफली अपनी सेफ्टी के साथ में उन्हें भी पैक करना होता है। पर दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो में आपके लिए अभी बहुत कुछ है दोस्तों। तब तक किए, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे ये लाल बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर घंटी का ऑप्शन आएगा,
घंटी को प्रेस करिए और ऊपर वाला ऑप्शन दाब दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी यहां से निकले हैं और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी स्नेक रेस्क्यू करके गए हैं और यहां से 15 किलोमीटर करीब दूर पहुंचे थे कि कॉल बैक फिर से आ गए कि अभी एक सांप और है। और जस्ट अभी जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा जो दो क्रैद स्नेक मैंने निकाले थे ईंटों के अंदर से, वही क्रैद स्नेक एक और दिखा, या वही है या दूसरा कोई स्नेक है, तो देखते हैं बिना देरी करते हुए दोस्तों। भाई देख लो कोई कट्टी या कोई डब्बा मिले। कौन है बैठा है वो? वो देखो कहाँ? अच्छा वो वहीं पे, ये यही कह रही थी। एक ना वो टाच लेके वो ऊपर पहुंच जाए, अंदर जा रहा है। टाच वाली बड़ी ली कहाँ? टाच टाच लिया भैया, टाच लिया फटाक से, निकल जाएगा इटों में तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो तो दोस्तों जैसा कि आपने भी देखा कि ये सांप अभी बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने था, बट पर्याप्त रोशनी के लिए क्योंकि रात का वक्त है और रिस्क लेना ठीक नहीं है, मैंने टॉर्च मांगी और उतनी ही देर में ये सांप मेरी आंखों से ओझल हो गया। और अब मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है इसे निकालने की। सो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आगे तक, क्योंकि दोस्तों होने को क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बने रहिए है, देखते हैं क्या होता है आगे। सो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर का ढेर मैंने ख़त्म कर दिया है, वो सांप किधर गया कुछ नहीं पता, तो मेरी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दोस्तों। तो अब एक ही चारा है दोस्तों, इस चट को पूरा का पूरा हटाना। तो रात का वक्त, इस वक्त करीब रात के 2 बज चुके हैं और मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं कि पसीने में डूबे हुए कह सकते हैं एक तरह से। दोस्तों रात का वक्त तो रिस्क जस्ट डबल होता है सांप को रेस्क्यू करना, और जबकि अंधेरा हो यानी कि पर्याप्त रोशनी ना हो तो ये 3 गुना बढ़ जाता है रिस्क, लेकिन काम है करना पड़ता है। तो बने रहिए दोस्तों बिना स्किप किए ताकि आपको भी पता चले कि इस काम में रिस्क के साथ में मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता है। मोबाइल में बैटरी भी जा रही है, अच्छा हो जाता है। हो सो फ्रेंड्स बहुत 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 ज़्यादा मेहनत और फिर से एक हैवी यानी कि एक विकसित और एक काफ़ी बड़ा क्रैड स्नैक दोस्तों। सो ये नज़रों से ओझल हो गया दोस्तों, जैसे हम लोग आए सामने था ये, बट ईंटों के अंदर था, नज़रों से ओझल हुआ। और अब देखिए मिला है ये सारे टेट आने के बाद में दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये क्या बना दिया मैंने? बहुत बढ़िया बनाई तुमने। सो फ्रेंड्स जो देख रहे हैं ये भीगी हुई शर्ट, ये देखिए ये कोई पानी नहीं है दोस्तों, ये पसीना है। जैसे हमें चाचा ने बताया अभी दिखाइए, 4000 बता रहे हैं कि टच 4000 था ये। तो 2 लोग, एक हम और एक हमारे जो मोबाइल पकड़े हुए हैं इरशाद हमारे भांजे हैं, 2 लोगों ने मिल करके ये हटाया ईटा। और जैसा कि मैंने बताया कि चले गए थे यहाँ से 2 स्नेक को रेस्क्यू करके, 2 कॉमन क्रैड वो भी थे, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहुँच करके फिर से कॉल आई कि एक सांप और है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि सांप सामने था, बिल्कुल सामने था, यानी पकड़ने में बस 5 मिनट लगते उसको पैक करने में, बट हुआ ये कि वो नज़रों से एकदम से ओझल हो गया। और ओझल होने के बाद में फिर जितना भी गया था सारा का सारा हटाना पड़ा, और करीब करीब 1.5 घंटा तो एक्स्ट्रा हो चुका ना हम लोग, 1.5 घंटे ज़्यादा। और अभी कुछ नहीं तो 2:30 बज रहा होगा रात का, है ना? 2:30 बजे वाला भाई, 2:30 बज रहा है दोस्तों।
तो ये होता है रेस्क्यू करना स्नेक का, जोखिम के साथ में मेहनत भी करना पड़ता है। 10 में से एक बार ऐसा होता है कि सांप आसानी से मिल जाता है, वरना 9 बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मेहनत के बाद भी सांप नहीं मिलता है। तो अच्छा लगा इस बात के लिए कि सांप मिल गए, 3 जो भी देखे गए सांप सारे के सारे रेस्क्यू कर लिए गए हैं। यहाँ के गाँव वालों को भी इत्मीनान सुकून हो गया और हमें भी अच्छा लगा दोस्तों। सो वही बात फिर से, ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे सांप के साथ में। तब तक के वेट करें, थैंक यू दोस्तों। ये इसको भी लग रहा है बीमारी लग गई है।